बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन में डायग्राम्स बनाने की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी कि करेक्ट आंसर लिखने की. सो हियर वी आर टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम्स फॉर दोज जिनके लिए डायग्राम बनाना मुश्किल है. सो वेलकम टू साइंस पेडागॉजिक्स एंड लर्न हाउ टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम्स क्विकली. बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस इन आवर जर्नी एंड बी अपडेटेड अबाउट आवर फर्दर वीडियोज़. Hello students, welcome to Science Pedagogics. How to make a perfect diagram during board examination? इस सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इस डायग्राम को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट द फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे यूट्रस की ड्राइंग से. यूट्रस की ड्राइंग बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें बनाना है एक वी शेप स्ट्रक्चर. बट वी शेप स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज ये है कि ये वाला जो एंड है ना तो इसे आपको कनेक्ट करना है और ना ही इसे बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाना है, यानी चौड़ा भी नहीं बनाना है और बिल्कुल कनेक्ट भी नहीं करना है. अब एक लाइन इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करते हैं. सेकेंड स्टेप में यूट्रस फॉर्मेशन के अंदर हम ये इन सभी लाइन्स को क्या करेंगे, डबल करेंगे और बिल्कुल एक फ्री हैंड से. इसके लिए कोई आपको शेप या उसकी जरूरत नहीं है, इसको आपको सिर्फ डबल लेयर करना है, और डबल लेयर करने के लिए ये लाइन जो एक वेवी होनी चाहिए. ओके, अब इसको इन दोनों एंड्स को हम एक तरीके से कनेक्ट कर देते हैं. थोड़ा सा थिकनेस और दिखा देते हैं. सेकेंड स्टेप में आपको ये जो यहाँ पे एंड्स हैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ऊपर ले जा करके बिल्कुल स्ट्रेट. स्ट्रेट का मतलब ये वाली लाइन भी आपको वेवी ही बनानी है, वेव की तरह ही बनानी है इस तरीके से. और ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं हो और बिल्कुल नैरो भी नहीं हो. इसके बाद हम इस एंड को यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं. दिस इज द आउटलाइन ऑफ यूट्रस. अब हम बनाना शुरू करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से स्टार्ट करना है चिल्ड्रन, और यहाँ से स्टार्ट करके इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाकर के ऐसे हमें घुमाकर छोड़ देना है. सेम इसी तरीके से एक और फैलोपियन ट्यूब बनानी है और सेम राउंड शेप में लेके इसे यहाँ छोड़ना है. अब अगर हम बात करते हैं ट्यूब की, तो ट्यूब में हमेशा दो लेयर्स होती हैं, तो इसमें भी हम दो लेयर बनाएंगे तभी हम ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ओके, तो ट्यूब के फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ हमने बना दी है डबल लेयर. ओके, डबल लेयर बनाते हुए अब यूट्रस की आउटर कवरिंग देनी है, तो इसमें सिंपली इसी तरीके से अब इस पॉइंट को भी आप छोड़ दीजिए और वापस से नीचे से शुरू करते हुए ऐसे इसको कनेक्ट कर दीजिए. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे इसकी एक परफेक्ट शेप आ जाती है. ओके, नाउ लेफ्ट साइड की आपको फेलोपियन ट्यूब बनानी है. दोनों ट्यूब की शेप और साइज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए. ओके, एक फ्री हैंड से ड्राइंग बनाते हुए इसकी कवरिंग बना दी अपन ने. अब यहाँ नीचे से ले जाके इसको ये जोड़ते हैं. नाउ दिस इज द फेलोपियन ट्यूब. अब फेलोपियन ट्यूब का जो आगे का पोर्शन होता है बच्चों, ये एक फनल शेप का होता है, तो फनल शेप देने के लिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है. ओके, फनल क्योंकि फ्रंट हैंड जो होता है फ्रंट पोर्शन फनल का काफी ब्रॉड होता है, तो हमने इसको फनल शेप दे दी. अब ये जो आउटलाइन बनाई है इसको ऊपर से भी हमें कवर करना है. कवर करने के लिए हमें सेम यही प्रोसेस स्टार्ट करना है, इसको हमें यहाँ तक ले जाना है. ओके, सेम इधर से भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर तक ले गए. ले जाने के बाद इसकी आउटर कवरिंग हमने यूट्रस की ड्रॉ. ओके, यूट्रस ड्रॉ हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स ड्रॉ हो गए. फैलोपियन ट्यूब्स ऑल्सो नोन एज दैट ओविडक्ट. ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब दोनों एक ही पार्ट के नाम है. अब लास्ट में हमारा जो बच गया दैट इज ओवरी. ओवरी यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है, बट जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ओवरी फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड नहीं होती है, और इसीलिए मैंने जो ओवरी है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पर बनाई है. ओके, अब ये ओवरी यूट्रस की वॉल से हमें कनेक्ट करनी है, तो हमने ये यूटेराइन टिश्यू से इसको कनेक्ट कर दिया. क्लियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कितना सिंपल है. नाउ इट्स टाइम टू लेबल द डायग्राम. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना, VAGINA. ओके, एंड दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज सर्विक्स, CERVIX. नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू लेबल, दैट इज दिस इज यूट्रस. ओके चिल्ड्रन, यूट्रस के बाद अब हमारी बारी आती है ओवरी की, OVARY, ओवरी. एंड द होल राउंड शेप स्ट्रक्चर बोथ द साइड्स, दिस इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब. सो वी कैन लेबल इट एज अ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब का अनदर नेम दैट इज ओविडक्ट. बोथ आर सेम,
oviduct and fallopian tube both are same. Now, fallopian tube basically divides into three parts. First part is, that is funnel shaped part. Is part ko hum kehte hain, that is infundibulum. Infundibulum. Okay, funnel shaped part fallopian tube ka jo hai, ise hum kehte hain infundibulum. Whereas a comparatively broadened part, thoda sa ek bada part jo hai yahan par, isko hum bolenge ampulla. Ampulla ka jo major function hai, it is the site of fertilization. Ampulla is the site of fertilization. Kyunki fallopian tube ka last part jo uterus ke just pass mein present hota hai, iska naam hota hai isthmus. This is known as isthmus. Okay, so now the labeling also done. We are just have a revision of this one means vagina. Vagina is also known as male copulatory or female copulatory organ. This is male copulatory organ tha aapka penis. Similarly, female copulatory organ is vagina. Then it is cervix. This is uterus. Okay, it is ovary, which produces ovum. Ovum produce karti hai. Similarly, fallopian tube. The another name of fallopian tube is oviduct. Okay, oviduct is basically divided into three parts. First is that funnel shape, infundibulum, ampulla. Ampulla is the site of fertilization, and last one is isthmus. Children, layer which we form in between this one means जो हमने diagram की starting की थी, this is called as endometrium. This is called as endometrium. Endometrium actually, this is the site of joining of placenta means यहाँ sorry this is the site of यहाँ पर कि embryo आकर के stick होता है. This is the site of embryo stick. यहाँ पर embryo stick होता है with the help of placenta. So I hope children this diagram now it would be very easy to draw. Thank you for watching and do like, share and subscribe if you like the video. Also let us know अगर आप किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हैं और आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प हो सकती है in our comment box below.